नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हे ट्रांसप्लांट इंडिया। दोस्तों आज के जो वीडियो में बात करने वाले हैं, आज से एक साल दो दिन पहले सेम जगह पे मैंने आपको एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी दिखाई थी, जिनका एक साल दो दिन हो गया है। हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट शो करने वाला हूँ, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है, क्योंकि पेशेंट नागालैंड के रहने वाले थे और नागालैंड से चलकर वो हमारे पास आए थे आज से एक साल पहले। उनका एक ब्यूटीफुल रिजल्ट है, जो कि कोई पीआरपी नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले उनका ये पुराना वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और लास्ट में भी आपको लिंक दे दूंगा। वीडियो पूरा पहले वॉच कर लीजिएगा, कितना बॉलेस था, क्या था, पूरी डिटेल आपको पहले मिल जाएगी, फिर ये वीडियो आगे ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूँ, आज से चार साल पहले मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और इस YouTube चैनल पे पूरी जर्नी अपनी शेयर करता हूँ। दोस्तों आते हैं टॉपिक पे और बात करते हैं आज के पेशेंट की, जिन्होंने आज से एक साल पहले हमसे कांटेक्ट किया था। बॉलनेस कुछ इस तरीके से थी, आप देख सकते हैं अलग अलग एंगल से, हाफ पोर्शन इनका बॉलनेस हो चुका था और ऊपर भी रिफिलिंग का मामला था। हमने पूरा का पूरा एरिया कवर किया, हमारे डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट किया, कुछ इस तरीके से नीडल टेक्निक से ग्राफ्ट लगाए, पूरे का पूरा एरिया कवर किया और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, 15 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से। पूना महाराष्ट्र में इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था और रहना खाना मेडिसिन इनको फ्री मिले थे। दोस्तों बता दूँ, ये नागालैंड के रहने वाले हैं। इनका एक पेशेंट रिव्यू है जो कि आपको पुराने वीडियो में मिल जाएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जैसे मैंने बताया वो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। फाइनली दोस्तों बात करते हैं इनके एक साल रिजल्ट की, कि कैसा रिजल्ट है। सेम जगह पे इनकी बॉलनेस मैंने आपको दिखाई थी, एक साल पहले सर्जरी दिखाई थी, पेशेंट रिव्यू दिखाया था, आज रियल दिखाने वाला हूँ। पहले कुछ इस कंडीशन में थी, बाद में ये कंडीशन उनकी है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। एक साल में कोई पीआरपी नहीं ली, कोई मेडिसिन नहीं लिया और बहुत ही नेचुरल रिजल्ट है। दोबारा इनको ना क्लिनिक आने की ज़रूरत पड़ी, ना किसी भी तरीके से इनको कोई दिक्कतें हुई हैं। इनका जो रिज़ल्ट है दोस्तों, बहुत ही नेचुरल रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं अलग अलग एंगल से, जितना एरिया इनका बॉलस था वो पूरा का पूरा कवर हो चुका है, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चों के, इनको कोई भी एक्स्ट्रा खर्चे नहीं लगे हैं। और एक साल दो दिन, यानी कि दोस्तों 365 दिन में दो दिन और ऐड कर दीजिए और बहुत ही नेचुरल रिजल्ट है। जो कि मैं हमेशा हर पेशेंट को समझाता हूँ कि एक हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक अच्छी क्लिनिक चूज़ कीजिए, जिससे आपको प्रॉब्लम्स ना हो। ये पेशेंट हमसे कांटेक्ट किए, नागालैंड से चल के आए और इनको भरोसा था कि इनको एक नेचुरल रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों इतने कम बजट में मैं बोल सकता हूँ कि आपको पूरे इंडिया में कोई भी इतना अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करके नहीं देख सकता, क्योंकि आजकल मार्केटिंग चल रही है दोस्तों, ऐसे मार्केटिंग चल रही है कि एक सेंटर के हज़ारों, मतलब एक नाम के हज़ारों क्लिनिक है, हज़ारों सेंटर है, जिसमें अलग अलग लोग बैठे हैं और आपको फोर्स करते हैं अब जाइए हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए। लेकिन हमारे ऐसा नहीं है, मैंने जहाँ से आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था वहीं आपको रेफरेंस देता हूँ, सेम डॉक्टर और सेम क्लिनिक होती है जो आपकी हेयर ट्रांसप्लांट करके देते हैं, जिसमें आपको एक नेचुरल रिज़ल्ट मिलता है। तो आई होप दोस्तों ये जो मेरी छोटी सी बात है, छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आया होगा, कम बजट, एक अच्छी क्लिनिक, एक अच्छा डॉक्टर की टीम, एक अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। दोस्तों दिया हुआ क्लिनिक का नंबर है, कॉल कीजिए, एक सिक्योर हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक का नाम है। आपको जो भी जानकारियाँ चाहिए, जो भी डिटेल चाहिए, आपको इस क्लिनिक से मिल जाएगी। फाइनली दोस्तों मैं ये सोचता हूँ कि आपको मेरी इस छोटी सी वीडियो से अगर थोड़ी भी जानकारी मिले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदे मिलते रहेंगे हर एक नए वीडियो से। दोस्तों जाते जाते वो पुराना वीडियो, इनका एक साल पहले वाला देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये वाला है, क्लिक कीजिए और वीडियो देख लीजिए। थैंक यू सो मच।